Assalamu alaikum dear students. In today's lecture we are going to study poem number 16, When I Have Fears by John Keats. John Keats is a romantic and a famous poet. His poetry is remarkable for its love of nature, imagination and rich description. He died at the young age of 26 because of TB, which was an incurable disease in those days. 26 years ki age mein uski death ho gayi thi. Very young age thi uski. In this sonnet, he has expressed his fear about his untimely death. First of all, students, you have to understand what is sonnet. Sonnet, a 14 lines poem, is called sonnet. ऐसी कोई भी पोइम जिसमें 14 लाइंस हों उसको आप सोनेट कहेंगे. सो इसमें इस सोनेट में वो अपनी डेथ के बारे में अंदाज़ा लगाता है, उसके बारे में उसको फियर हो रहा है कि जो मेरे आइडियाज़ हैं या जो मैं करना चाहता हूँ उनसे पहले ही मुझे होफ है या मुझे डर है कि मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊँगा. ही इज़ अफ्रेड बिकॉज ही मे डाई बिफोर ही हैज़ पुट हिज आइडियाज़ ऑन पेपर विच ही हैड इन हिज माइंड. उसके माइंड में जो भी आइडियाज़ हैं वो उनको लिखना चाहता है, बुक्स में कंपाइल करना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू कम्पोज मैनी बुक्स बट हिज डेथ विल नॉट अलाउ हिम टू डू सो. वो अपने आइडियाज़ को बुक्स में कंपाइल करना चाहता है, बहुत ज़्यादा ढेर बनाना चाहता है बुक्स का, लेकिन उसकी जो डेथ है वो उसे इतना टाइम नहीं देगी. सो लेट्स बिगिन दिस पॉइंट. When I have fears that I may cease to be. जब मुझे खौफ आता है, जब मैं खौफ महसूस करता हूँ कि मैं मर जाऊँगा. Before my pen has gleaned my teeming brain. इससे पहले कि मेरा कलम मेरे दिमाग में जितने भी ख्याल हैं उनको तहरीर कर दे, उनको बुक्स पे किताबों में लिख दे. Before high piled books इन करेक्टरी. इससे पहले कि मेरे जो ख्यालात हैं वो किताबों के ढेरों में महफूज कर लिए जाएं. होल्ड लाइक रिच गार्नर्स द फुल राइपन्ड ग्रेन. जिस तरह एक पका हुआ जो अनाज होता है उसको जहीरा गाह में महफूज किया जाता है, तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो मेरे माइंड में आइडियाज़ हैं उनको मैं किताबों में या रिटन फॉर्म में सेव कर सकूँ, महफूज कर सकूँ. So in these lines, the poet expresses his fear that he may die before he has finished his literary work. He wishes to compose many books which would contain his nature poetic thought. वो चाहता है कि जो उसके माइंड में जो भी नेचर के मुतालिक या जैसे भी उसके आइडियाज़ हैं उसके माइंड में वो उनको रिटर्न फॉर्म में सेव कर दे, महफूज कर दे. He desires to store his ideas in his books as grain is stored in the storehouse. But he is caught with certain fears that are informing him of his coming death. लेकिन उसको ये जो खौफ है ये उसे पहले ही महसूस हो रहा है कि उसने जल्दी मर जाना है, उसकी डेथ जल्दी आ जाएगी उसको. जी नेक्स्ट स्टैंजा है. When I behold, जब मैं देखता हूँ. अपॉन द नाइट स्टार्ड फेस, रात को जो स्तारों भरा आसमान है जब उसको देखता हूँ मैं. ह्यूज क्लाउडी सिम्बल्स ऑफ अ हाई रोमांस, बहुत बड़े जो क्लाउडी सिम्बल्स हैं यानी कि बादलों की जो अलामतें हैं वो एक रोमानवी जो है मोहब्बत का पता देती हैं, यानी कि एक अजीम किस्म की मोहब्बत का पता देती हैं. एंड थिंक दैट आई मे नेवर लिव टू ट्रेस देयर शेडोज़. और मैं ये सोचता हूँ कि शायद मैं इतना अरसा ज़िंदा ना रह सकूँ कि मैं इनको अपने हाथों से ट्रेस कर सकूँ या इनको लिख सकूँ. विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस, अपने जादुई हाथों से इन बादलों के साए को, यानी कि मैं इन बादलों के साए को तलाश ना कर सकूँ, हो सकता है बाद में. जी इन दीज लाइन्स द पोइट सेज इन द सेज दैट व्हेन ही लुक्स एट द स्टारी नाइट एंड thick clouds which look like symbols of great love, he feels misery because he knows that death will not allow him to do so, to live long, and he will pass away before such time.
डेथ विल स्नैच इज अवे सॉरी डेथ विल स्नैच अवे हिज पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो भी उसकी पार है इमेजिनेशन की, सोचने की, या उसके माइंड में जितने भी ख्यालात हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो उसकी डेथ के साथ साथ वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ फियर ऑफ डेथ एंड माइट नॉट बी एबल टू कलेक्ट हिज पोइट्री इन द बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स या इन द बुक्स। जी नेक्स्ट है लाइन स्टेंजा, एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन आर डैट आई शैल नेवर लुक अपॉन दाई मोर, और जब मैं ये महसूस करता हूँ कि जो एक आरजी हुसन वाली महबूबा है मेरी, या मेरी जो बिलविड है, उसको मैं मजीद ना देख सकूँगा। नेवर हैव रेलिश इन द फेरी पार ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव, और अपनी जो यक तरफा मोहब्बत है उसके हुसन को मैं दोबारा महसूस ना कर सकूँगा। अनरिफ्लेक्टिंग लव यानी कि वन साइडेड लव जो होता है, यक तरफा एक तरफा। ओ देन और तो फिर, ऑन द श्योर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन, तो दुनिया, ये जो वसी दुनिया है इसके साहिल पर मैं अकेला खड़ा हूँगा और सोचता हूँ एंड थिंक और सोचूँगा। टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस डू सिंक, कि जब मेरे साथ मेरे साथ साथ मेरी जो मोहब्बत है और मेरी जो शोहरत है, मेरी जो फेम है, वो भी उसका भी नामो निशान मिट जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि उसकी जो मोहब्बत और शोहरत वो भी फानी है। जी इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट ही इज अफ्रेड ऑफ डेथ, द रीज़न ऑफ हिज फियर इज दैट ही वॉन्ट्स टू कम्प्लीट हिज मिशन बिफोर हिज डेथ, बट ही थिंक्स दैट सूनर और लेटर ही विल हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। द पोइट इज लव विद अ ब्यूटिफुल द पोइट इज इन लव विद अ ब्यूटिफुल गर्ल हु इज जस्ट अ क्रिएशन ऑफ हिज माइंड, उसके माइंड में एक उसने क्रिएट किया हुआ, एक इमेज क्रिएट किया हुआ जिससे वो मोहब्बत करता है। ही टेल्स दैट हिज अर्ली डेथ विल डिप्राइव हिम फ्रॉम द डिलाइट्स ऑफ हिज लव। अकॉर्डिंग टू हिम ब्यूटी एंड ह्यूमन लाइफ बोथ आर टेम्प्रेरी एंड शॉर्ट लिव्ड। ही सेज दैट ही कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स टू हिज लव बिकॉज हिज लव वॉज वन साइडेड। ही सेज दैट ही इज लाइक अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द वास्ट वर्ल्ड एंड इज वेटिंग फॉर डेथ। हिज लव एंड फेम विल ऑल्सो सिंक इन टू डेथ विद हिम। जी ये सिर्फ उसने अपने बारे में नहीं कहा कि मेरी जो मोहब्बत है या शोहरत है वो मेरे साथ मेरी डेथ के साथ ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ये उसने सब के लिए ही कहा है कि कोई भी इंसान जो है वो उसकी मोहब्बत जो है जितना मर्जी उस वो मोहब्बत करता हो किसी से, तो उसकी डेथ के साथ वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो लर्न दिस पोएम ट्रांसिशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन।